समरी ऑफ आइडियाज़ दैट हैव हेल्प्ड मैनकाइंड। क्लास 12th इंग्लिश 100 मार्क्स का ये प्रोज सेक्शन का लेसन है। चलिए देखते हैं समरीज का। आइडियाज़ दैट हैव हेल्प मैनकाइंड, इसका मतलब क्या है? विचार, वैसे विचार जो मानवता को सहायता प्रदान किए, यह क्या है? आइडियाज़ दैट हैव हेल्प मैनकाइंड इज एन एसे, एक एसे है, निबंध है, रिटन बाय बर्टेंड रसेल, बर्टेंड रसेल द्वारा लिखा गया है। इन दिस एसे, इस निबंध में, ही टॉक्स अबाउट द, वह बात करते हैं किसके बारे में? वो बात करते हैं ग्रोथ ऑफ ह्यूमन सिविलाइजेशन, मानव सभ्यता, मानव का जो सभ्यता है उसके विकास के बारे में। ही सेड दैट, वे कहते हैं कि वी आर सिविलाइज्ड टुडे, आज हम लोग सिविलाइज्ड हैं, मतलब सभ्य हैं, बट थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स, यहाँ पे ईयर्स होना चाहिए, यहाँ एस लगा लीजिए, ईयर्स एगो वी वेयर अनसिविलाइज्ड, मतलब 1000 साल पहले हम लोग क्या थे? अनसिविलाइज्ड थे, मतलब असभ्य थे। वी वेयर लिविंग इन द जंगल, वी वेयर लिविंग इन जंगल्स एंड केव्स लाइक एनिमल्स। वी वेयर लिविंग मतलब हम लोग रहते थे इन जंगल्स, जंगल में, जंगलों में, केव्स गुफाओं में, लाइक एनिमल्स मतलब जानवरों की तरह, जानवरों की भांति। बट टुडे, परंतु आज, वी आर सिविलाइज्ड, हम लोग क्या है? सिविलाइज्ड हैं। वी हैव प्लेजर ऑफ एल्कोहल, हम लोगों के पास एल्कोहल, म्यूजिक, पोएट्री और साइंस, और उसके साथ साथ क्या, गेम इत्यादि का क्या है? प्लेजर है, मतलब आज हम दुखी होते हैं जो लोग एल्कोहलिस्ट हैं, मतलब जो ड्रिंक करते हैं तो एल्कोहल पी लेते हैं, मतलब ड्रिंक कर लेते हैं, म्यूजिक हम लोग संगीत सुन लेते हैं, पोएट्री कविताएं पढ़ लेते हैं, साइंस साइंस का उपयोग कर लेते हैं, एंड गेम्स तरह तरह का गेम जो है ना, गेम खेल लेते हैं हम लोग। इस प्रकार से हम लोग ऐसा कर लेते हैं किसके लिए? अपने प्लेजर के लिए, अपने आनंद के लिए, मतलब हमें आनंद हो इसके लिए ये काम कर लेते हैं। बट एनिमल्स, जानवर, डोंट हैव इट्स ओन इंटेलेक्ट एंड मोरल क्वालिटी, पर जानवर के पास अपना कोई बुद्धि या नैतिक ज्ञान नहीं होता है, विच मेक्स अस डिफरेंट फ्रॉम एनिमल्स, और यही है जो हमें अलग करती है जानवरों से, नहीं तो जानवर में और हम में कोई ज़्यादा फर्क नहीं रहेगा। हम लोगों में और जानवर में क्या फ़र्क है? हम लोग सोच सकते हैं, अपने बुद्धिमता, इंटेलिजेंस का प्रयोग कर सकते हैं, है ना, इंटेलेक्चुअलिटी का जो हम लोग प्रदर्शित कर सकते हैं, मोरल क्वालिटी हम में, है ना, मोरल क्वालिटी मतलब नैतिक गुण है हम में, परंतु वो जानवर में नहीं है। द आइडियाज़ दैट हैव मोस्ट टू द मैनकाइंड, यहाँ पे दैट आइडियाज़ दैट हैव होना चाहिए दैट हैव हेल्प्ड मैनकाइंड, हैव छूट गया यहाँ पे। द आइडियाज़ दैट हैव हेल्प्ड मैनकाइंड, हेल्प्ड मोस्ट टू द मैनकाइंड, मतलब कि वह विचार जो मानव को मुख्य रूप से सहायता प्रदान किए, मे बी डिवाइडेड इंटू टू काइंड्स, इसे दो प्रकार में बांट सकते हैं, दो भागों में बांट सकते हैं। पहला, दोज दैट कंट्रीब्यूट्स नॉलेज एंड टेक्निक, जो योगदान दिया किस में? ज्ञान में और टेक्निक में, टेक्निक जो होता है ना, टेक्निक उसमें हमको दिया, मतलब कि एक तो ये है कि हम लोगों को नॉलेज है और नॉलेज टेक्निक में भी नॉलेज हुआ, इससे हमको हेल्प मिला, पहला नंबर ये हुआ। दूसरा नंबर क्या है? दोज दैट वे आर कंसर्न्ड विथ मोरल एंड पॉलिटिक्स, और हम लोगों में क्या है आज? नैतिकता को समझने का ज्ञान है और राजनीति को समझने का ज्ञान है। कहने का तात्पर्य यह है कि कहीं ना कहीं द राइटर इज नॉट श्योर, लेखक इस बात से आश्वस्त नहीं है, वेदर द लैंग्वेज बिगिन फर्स्ट और फायर बिगिन फर्स्ट, कि पहले लैंग्वेज ने जन्म लिया, मतलब लैंग्वेज मतलब भाषा का खोज हुआ, कि आग का खोज हुआ, फायर बिगिन फर्स्ट, ये लेखक को पूरा श्योर नहीं है। ही सेज, वो कहते हैं क्या, दैट फायर वॉज यूज फॉर कुकिंग एंड दस द लॉन्ग हिस्ट्री ऑफ कुकरीज बिगन, कि ये आग जो है ना, आग यूज किया जाता है किस में? खाना बनाने में, और इसी प्रकार से हम लोग भोज्य पदार्थ मतलब खाना खाना शुरू कर दिए,
और सभ्य बनने लगे। जब मनुष्य एक जगह खाना बना के खाने लगा तो सभ्यता की ओर एक पहला कदम रख लिया। राइटिंग लाइक स्पीच, जैसे कि हम अभी निबंध लिखते हैं, डेवलप ग्रेजुअली, ये सब विकसित हुआ ग्रेजुअली, धीरे धीरे लगातार, है ना। ग्रेजुअली माने क्या, लगातार मतलब कि धीरे धीरे, एक के बाद वन बाई वन, है ना। ग्रेजुअली माने वन बाई वन, एक के बाद दूसरा। इन द फॉर्म ऑफ पिक्चर, पिक्चर्स माने क्या, ये तस्वीरों के माध्यम से, एंड स्पीच और ये निबंधों के माध्यम से। दज तो कह सकते हैं द आइडियाज दैट हैव हेल्प्ड मैनकाइंड इज अबाउट द ग्रोथ ऑफ आवर थॉट्स, या किसके बारे में है माइंड, ये जो है ना पाठ, अबाउट द ग्रोथ ऑफ आवर थॉट्स, हमारे विचारों के जो विकास है उसके बारे में है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।